नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं दिल्ली के राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन श्री संतलाल चावरिया जी, जिन्होंने आयोग में रहकर न जाने कितने ही कामों को, अपने योग्य कार्यों को समाज हित में अंजाम दिया है। आइए उनसे रूबरू होते हैं। श्री चावरिया साहब जी, ब्रजेश जी, आपका स्वागत करता हूँ दिल्ली में, और आपके चैनल के माध्यम से मैं दिल्ली के और देश के तमाम सफाई कर्मचारियों को नमस्कार कहता हूं, और जो आपका चैनल यहां पर आया है मैं उसका स्वागत करते हुए आपसे ये उम्मीद करता हूं कि जो आपके जितने भी प्रश्न होंगे मैं उसका इसी प्रकार से उत्तर दे पाऊंगा। चावरिया साहब, जिस प्रकार आपने आयोग में रहकर आपने कौन कौन सी जिम्मेदारी अपनी पूरी की हैं, उनमें किन किन लोगों का, किस किस फील्ड से लोगों का समावेश है, किस किस क्षेत्र से आते हैं, वो सभी का जरा विवरण हमें बताइए। हाँ ब्रजेश जी, मैं 20 मई 2016 को इस आयोग में चेयरमैन के पद पर नियुक्त हुआ। उसके बाद जो मैंने सबसे पहला काम किया वो दिल्ली में काम कर रही सब तमाम ट्रेड यूनियन जो सफाई कामगारों की हैं और जितने सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सबके लीडरशिप को इकट्ठा करके मैं आयोग के माध्यम से, और उनको मैं चाहता कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, और मैंने उनको कहा कि भाई मैं आपके बीच में से आया हूँ तो इस आयोग को एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं और इसके माध्यम से आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, क्योंकि हर यूनियन का अपना एक ही लक्ष्य होता है, एक कॉमन एजेंडा होता है, तो कॉमन एजेंडा एक लेकर हम लोग मिलकर काम करें। लेकिन बड़े बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दिल्ली में जो हमारी ट्रेड यूनियंस हैं वो आपस में टकराव में हैं, आपस में बिखरी हुई हैं, उनकी ताकत बिखरी हुई है, जिसकी वजह से सही तरीके से उनका मनोबल टूटा हुआ है और कर्मचारियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। हालांकि वैधानिक पद पर होते हुए जो मेरा पावर है उसके माध्यम से जो सफाई कर्मचारी डायरेक्ट मेरे पास आयोग में आते हैं या मुझे बुलाते हैं उनकी समस्याओं का समाधान हमेशा करता हूं। चावरिया जी, जिस प्रकार आपने अभी कहा कि समाज के लोगों में आपस में टकराव है और उनका सारा का सारा डिस्प्यूट, तो उससे आपके आयोग को और आपके जो जानने वाले हैं, जो समझने वाले लोग हैं, उनमें क्या इफेक्ट पड़ता है आपका? बहुत फर्क पड़ता है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में रहकर जब सभी लोग एक जात के हैं, एक कम्युनिटी के हैं, और अगर वो आपस में तालमेल बनाकर काम ना करें तो सरकार भी और एडमिनिस्ट्रेशन भी और पॉलिटिकल लोग भी ये समझते हैं कि भाई इनके अंदर आपस में एकता नहीं है, जिसका बहुत बुरा प्रभाव हमारे सफाई कर्मचारियों की मांगों पर, उनके अधिकारों पर पड़ता है। ये जो चीज़ें आज दिल्ली के अंदर जो जिस तरह से नेग्लिजेंसी हमारे सफाई कर्मचारी की हो रही है, जिस तरह से उनको टाइम पर पक्का नहीं किया जा रहा, उनको जो प्रमोशन नहीं दिया जा रहा, उनको रेगुलराइजेशन नहीं हो रहा, उनको कैशलेस कार्ड, जितने भी 8-10 मेन पॉइंट है जो उनके लिए होने चाहिए, जरूरी होने चाहिए, वो आपस की फूट के कारण वो कहीं ना कहीं उनको अधिकार मिलने से वंचित हो रहे हैं। जिस प्रकार आप केजरीवाल सरकार में 5 साल होने आया है इनको और आपको उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, तो मेरा अगला सवाल ऐसा है कि जिस प्रकार केजरीवाल की सरकार है और पूरे भारतवर्ष में बीजेपी मोदी लहर है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है और आपका क्या कहना है कि अगली सरकार किसकी होगी? मैं निसंदेह कह सकता हूं कि अगली सरकार केजरीवाल सरकार बनने जा रही है, क्योंकि जो केजरीवाल साहब हैं बहुत ही साफ सुथरी राजनीति और बहुत ईमानदारी से राजनीति कर रहे हैं और आम जन के लोगों के हितों को उन्होंने छुआ है। दिल्ली में पानी बिजली फ्री दे रहे हैं, स्कूल और स्वास्थ्य को उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप कोई से बड़ा ऑपरेशन हो, टेस्ट हो, सब फ्री किया जा रहा है। स्कूल की जो आज हालात हैं, सरकारी स्कूलों के जो हालात हैं वो प्राइवेट स्कूलों से भी बढ़कर सुविधाएं वहाँ मिल रही हैं, और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को लोग अपने एडमिशन छुड़ाकर वो सरकारी स्कूलों में एडमिशन कर रहे हैं। इसके अलावा अभी अभी दिल्ली में वाईफाई फ्री करने की घोषणा की है, और SC ST और अपने पर्टिकुलर हमारे समाज के लिए साहब ने बहुत काम किया है। पिछले 15 साल कांग्रेस के शासन में हमारे 5-5 MLA होते थे, कभी उन्होंने मंत्री हमारे समाज का नहीं बनाया, केजरीवाल साहब ने हमारे समाज का मंत्री बनाया, लोकसभा का टिकट दिया, डिप्टी स्पीकर हमारे समाज से दी, मुझे दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन बनाया, और हमारे समाज के प्रति बहुत निष्ठा है, और गरीब लोगों के साथ जुड़े होने के कारण वो बिल्कुल पूरी दिल्ली की आवाज है कि अब की बार फिर दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के दिल्ली के चेयरमैन साहब संतलाल चावरिया जी। मैं ब्रजेश बड़गुजर, SBT 24 TV दिल्ली।